ने हीर को बुलाई है, उसकी शुद्धिकरण की पूजा होगी, उसके बाद फिर कुछ और। पहले आप दोनों अपना शुद्धिकरण कर लीजिए, बुरा मत मानने का, लेकिन ये जरूरी है आजकल। इसकी आप फिक्र मत कीजिए, हम गाड़ी से उतरते ही अपने हैंड सैनिटाइज करके आए हैं, इसे आप अपने पास रखिए। आइए पंडित जी। एक और बात, ये शुद्धिकरण की पूजा आप करवाना चाहते हैं, हमने कुछ नहीं कहा, कर लीजिए, लेकिन बस इतना कर दीजिए कि हीर को पता ना चले कि ये पूजा किस लिए हो रही है। सौम्या से बहुत प्यार करती है, उसकी सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। खुश रहो। ये रे, एक मिनट बैठो यहाँ। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। मेरी शादी की पहली विधि स्टार्ट हो गई। पूजा संपन्न हुई। ओ, चलो अच्छा हुआ, हम चलते हैं, हमें भी तो घर पे सारी रस्में शुरू करनी है। खुश रहो। बहुत बड़ी गलती हो गई, सौम्या को हीर से दूर करके बहुत बड़ी गलती कर दी। हम हीर को समझाने में नाकामयाब हो गए, वो नहीं होती। दूर किया तो किया मां, तूने तो उसे हम सब से मिलने को या फिर हम सब से कांटेक्ट रखने को भी मना कर दिया। आज वो अगर यहाँ होती ना, तो हीर का साया बनके उसके साथ खड़ी होती। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, कभी भी नहीं होता। काश उसके यहाँ होते हुए हम उसकी अहमियत को समझ पाते। वो हीर से बात करके कोई ना कोई सलूशन जरूर निकालती, जो हम में से कोई भी नहीं निकाल पा रहा है। गुलाबो, जानती हो मुझे घर वालों ने ना हमेशा इंटरनेट से दूर रखा, पर मैं जानती हूँ कि इंटरनेट एक ऐसी चीज है जो दुनिया में हर किसी को आपस में कनेक्टेड रख सकता है। गुलाबो, मुझे लगता था कि तुम मेरी सारी खबर ना इंटरनेट के थ्रू घर वालों से आज तक लेती रही होगी, लेकिन मैं गलत थी। अगर तुम्हें मेरी जरा सी भी खबर होती ना, तो तुम मेरी शादी में जरूर आते गुलाबो, है ना? मैं वचन देती हूँ कि मैं आपकी परवरिश के बीच कभी लौट कर वापस नहीं आऊंगी।
भी ना, कहा था थाल अंदर रख देना, यहीं छोड़ के भाग गए। पता नहीं इन्हें लगता है कि दुनिया का सारा कोरोना हमारे ही घर में आके बस गया। बस गुलाबों, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं ना आज श्योर हो गई हूँ, मुझे पता चल गया है कि तुम्हें ना तो मुझसे प्यार है और ना मेरी जरा सी भी फिक्र। पर ना गुलाबों, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, मुझे तुमसे प्यार भी है और तुम्हारी फिक्र भी है। इसीलिए देखना, आज ना मैं इसे पहनकर तुम्हारे जैसी सुंदर लगूंगी। गुलाबो देखो, अच्छी लग रही हूं ना मैं? तुम हमेशा ही झुमके पहनने के लिए मांगा करती थी और मैं हमेशा कहा करती थी कि तुम्हारे छोटे छोटे कान इनका वजन नहीं झेल पाएंगे। जब बड़ी हो जाओगी तब दूंगी तुम्हें, अब तो तुम बड़ी हो गई हो इसलिए ये झुमके तुम्हें गिफ्ट कर रही हूं। गुलाबो,
अगर वो आई तो गई कहाँ? तू दिन में सपने देख रही है क्या? रोहन वीर जी, सपना नहीं था, सच में गुलाबो आई थी। तो ये चिट्ठी, ये इयररिंग्स, मेरे लिए कमरे में चॉकलेट वाला दूध भी छोड़ के गई। और ये देखो, ये काजल का निशान मेरे माथे पर किस करके गई है गुलाबो। तो देखना बाहर होगी गुलाबो। मैं देखती हूँ जगरानी रियल एस्टेट वाले ऑफिस चलना है। ओके okay. आपको यकीन नहीं आ रहा ना, गुलाबो आई थी। मैं चिट्ठी पढ़ के बताती हूँ। गुलाबो ने मेरे लिए चिट्ठी छोड़ी है। उसमें लिखा है कि तुम्हें खबर नहीं है हीर, लेकिन इतने सालों में मैंने तुम्हारी जिंदगी के हर एक पल की खबर रखती रही, लेकिन दखल कभी नहीं दिया। पर आज देना पड़ा, जरूरी था, इसलिए आज आई थी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट तुम्हारी गुलाबों की सबसे बड़ी खुशी है। पर ये शादी, ये शादी मत करो हीर। ये सही समय नहीं है। सही समय आने पर मैं खुद आऊंगी तुम्हारी शादी करवाने। फिलहाल तुम्हें मुझ में और विराट में से किसी एक को चुनना होगा। वजह मत पूछना, तुम्हें कसम है मेरी। प्रीतो, ऐसा कैसे हो सकता है? गुलाबो को तो पता है ना, मैं विराट सर उससे कितना प्यार करती हूँ, बराबर प्यार करती हूँ। फिर मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? ये ऐसे क्यों लिखता है? मेरे बच्चे, हम पर नहीं तो कम से कम अपनी गुलाबों पे तो भरोसा है ना तुझे? देख ला, तेरे सामने ही है। तू सबसे ज्यादा विश्वास गुलाबों पे करती है, और गुलाबों क्या चाहती है तेरे सामने है। कम से कम किसी और के लिए नहीं तो गुलाबों के कारण ही मान ला। गुलाबों के कारण तुझे मानना पड़ेगा। लेकिन दादू, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये चिट्ठी सौम्य माँ ने नहीं लिखी है। क्या सबूत है कि ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है? हाँ वो तो है। और फिर वो यहाँ पर आई कि किसी ने देखा तो नहीं ना? तो मैं भी नहीं मानती कि ये गुलाबो ही थी, लेकिन ये इयररिंग्स, उसके सिवा और कोई नहीं जानता कि उसके ये इयररिंग्स मेरे फेवरेट थे। वो गुलाबो ही थी, वरना और किसी के पास ये कैसे आएंगे? हीरे, अगर वो सौम्या माँ थी तो ऐसा हो सकता है कि वो तुझसे, मुझसे, वीर जी से बिना मिले ही चली गई। पर इस चिट्ठी में ये पहेलियां बुझाने का क्या मतलब है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर वो गुलाबो ही थी तो हम तीनों में से किसी एक से बिना मिले कैसे जा सकती है अपनी गुलाबो? हीर, मैं और तेरे दादू क्या चाहते हैं ये तो तू जानती है, लेकिन तेरी गुलाबो क्या चाहती है ये भी अब तू जान चुकी है। पर तुझ पे कोई दबाव नहीं है, क्योंकि तू जहर खाने जैसा फिर कोई कदम उठाए ये मैं नहीं चाहती।
पहले भी कई बार सौम्या गायब हुई है और फिर ऐन मौके पर धमक पड़ती है। हो सकता है ये सौम्या ही है, मतलब सारा प्लान चौपट। ये सौम्या माँ के तरीके ना मुझे तो समझ में नहीं आते। चाहती सबका भला है लेकिन तरीके इतने अजीब। जो भी हो हम सब इतना तो जानते हैं कि वो हम सबका भला चाहती है और कुछ नहीं। ऐसा कैसे कर सकती हो गुलाबो तुम?